गोबिंद मरगिंद गुर हिंद बख्शिंद दाते दुखियां दे तारने ली साजिया ए खालसा रोंदिया हसाउन हित डिगिया अठाउन हित बंदा छिड़वाउन हित साजिया ए खालसा वीर दशमेश दे कलेश दे हरन हारे तेरी ललकार सुन सारा संसार डरे चढ़दा ते लेंदा डरे दखण पहाड़ डरे अरब अरान डरे दिल्ली मुल्तान डरे काबुल कंधार डरे तीन लोक विच तेरी जय जयकार खालसा। गुरु गोबिंद सिंह दे बहादुर खालसा जीओ आप जी दे दर्शन दारियां दी खुशी अंदर फतेह अर्ज कर लगे हैं। आस करदे पी आप जोग उतर दे के तुना दी बनाओगे सारियां संगतां साहिबां नूं सीस चकाओ ते प्यार सहित आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साहिब दी बाणी दा फरमान है चांदना चांदन आंगन प्रभ जी अंतर चांदना आराधना आराधन नीका हर हर नाम आराधना त्यागना त्यागन नीका काम क्रोध लोभ त्यागना मांगना मांगन नीका हर जस गुरते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन में जागना लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना एह बिद तिसे परापते जाके मस्तक भागना कहो नानक तिस सब किश नीका जो प्रभ की सरनागना। वकारी बंदा भी रात नू जागदा चोर भी रात नू जागदे रोगी भी रात नू जागदा चिंता दा मारिया भी रात नू जागदा पर साहब कहिंदे जागना जागन नीका हर कीर्तन में जागना। आप जिहड़े जाग रहे जे ये तुहाडियां घड़ियां सफल हन गुरु दे लेखे विच गुरु कृपा करे साढ़े तो पहला दमदमी टकसाल दे हीरियां दी खान दे अनमुले हीरे भाई साहब भाई जंगबीर सिंह जी जंगबीर सिंह नूं तान दे दिओ जदों दमदमी छाल ते रिहा करदे सी जथे विच रिहा करदे सी ते ओह जंग दी कथा करिया करदे सी। साढ़े तो पहलों आप जी महाराज दे शस्त्रां दी वडियाई सरवण कर रहे सी जी करदा सी ओह सुनाई जाण ते असी सुनी जाइए ऐसा सतगुर ने समां बनाया पर समा किसे दा लिहाज नहीं करदा। आओ गुरु कृपा करे संत बाबा करतार सिंह जी महापुरश जिन्हां दी आपां सलाना याद विच जुड़ के बैठे हाँ कहंदे जी सिखां दे घर भी सौ के रातां नंघा लईआं ते फिर कोई जीवन दा बहुता लाह लई उन्हां दी किन्नी घालना सी। कल मैनूं भाई साहब भाई जरनैल सिंह जी उन्हां दी संगत करन दा सुभाग समा प्राप्त होया जिन्हां ने 8 साल संत बाबा करतार सिंह जी संत संगत कीती और 6 साल उन्हां ने संत बाबा जरनैल सिंह जी दी संगत कीती 8 ते 6 14 बनते हैं। तो मैं पूछ बैठा भी बाबे तन तनखा भी देंदे आंदे भी एक कच्ची कौडी नहीं सी तनखा 14 साल आंदे भी 14 साल सीखण ते लाते उन्हां दे जीवन का ही प्रभाव ऐसा पिया भी घर जाण नूं जी नहीं कीता ते 6 महीने एक खद्दर दा 2 चोले खद्दर दे दिया करदे सी भाई गुरजिंदर सिंह जी जिन्हां उन्हां दी संगत कीती आ और 2 जोड़े 1 जोड़ा दिया करदे सी भी भावें इहनूं हंडाला ते भावें तोड़ला और एक एक दिन विच नवां नवां पिंडां दे विचों कथा करिया करदे सी किन्नी उन्हां दी घालना सी 3 बजे तो लग के रात के 9 बजे तक लगातार सिखो उदो कोई बहुता सवारियां दा साधन नहीं सी पैदल ते जां साइकल ते जिन्ने कथा दे पैसे होने प्रबंधकां नूं आखना भी इह किसे धर्म दे लेखे विच ला दिओ। सारा जीवन जिन्हां अपना गुरु दे लेखे लाया उन्हां दी याद विच जुड़ बैठे हाँ। ओह इक बचन क्या करदे सी जे किसे नूं तूं इक जपजी साहिब दे पाठ दी सिख्या देणी है ना संत बाबा करतार सिंह जी जे किसे नूं इक जपजी साहिब दे पाठ दी सिख्या देणी है ना पहला वेख भी अपने तेरे 5 हैगे आ फिर किसे नूं सिख्या दे। हुण ते रहत अवर कछ अवर कमावत मन ही प्रीत मुखों गंढ लावत जानन हार प्रभु प्रवीण बार भेख ना काहू पीन अवर उपदेश आप ना करे आवत जावत जन्मे मरे वाली गल हुई पई आ। भाई वीर सिंह जी उन्होंने सकत्र साहब ने स्टेज पर तैनता भी ज्ञानी जी भी 2 मिनट संगतां दे सन्मुख होणगे
ज्ञानी वीर सिंह जी जिन्ना गुरु गोबिंद सिंह दा गुरु नानक साहब दा इतिहास गिठा नहीं इंचा दे नाल मिण मिण के लिखिया इन्ने पल इनियां घड़ियां मेरे साहब इस नगर विच ठहरे ते आ महाराज ने फरमान जारी कीते ते भाई वीर सिंह ने लिखिया भाई संतोख सिंह जी ऐसे महान कवि सन सतगुरां दे जे उन्हां दी कलम लिखना बंद करदी सी ना ते नेत्र बंद करदे सी कलगियां वाला घोड़े ते चढ़िया उन्हां नूं नजर आउंदा सी उन्होंने इतिहास लिखिया भाई वीर सिंह जी बहुत घट बोलिया करदे सी उठ के कहन लगे मैं संगत नूं कुछ नहीं कहना चाहुंदा जिहड़ी मेरी श्रेणी दे प्रचारक वीर आ ना मैं उन्हां नूं बेनती करूंगा भी अपना जीवन प्रैक्टिकल बनाओ संत बाबा करतार सिंह जी क्या करदे सी किन्ना चंगा प्रचारक होवे किन्ना चंगा ढाडी कवीशर प्रचारक कथा वाज कीर्तनियां होवे जिन्ना चिर उहदा अपना जीवन नहीं ना होएगा संगत ते उहदा प्रभाव नहीं पएगा ते संगत नूं रस नहीं आएगा गुरु कृपा करे कैसा रस बनिया सी आओ मैं तुहाडी सेवा विच दमदमी साल दे पहले मुखी बाबा दीप सिंह जी का प्रसंग तुहाडी सेवा विच रखन लगा एक दो कविता जिन्नी भी वनगी मात्र इतिहास दे विचों कहण दा मैं यतन करूंगा बाबा दीप सिंह जी जिहड़ा जीवन 17 वरे की उम्र हुई उन्हां दी जिंदगी विच मोड़ आया गुरु गोबिंद सिंह ने होले महल्ले दे कट थे संगतां नूं बुलाया माझे मालवे दुआबे चों हुम हुमा के संगतां श्री आनंदपुर साहिब पहुंचियां गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ऐलान कीता भी कल नूं अमृत संचार होना कल नूं असीं अमृत विच आप लगांगे जिन्हां अमृत छकणा ओह नां लिखाओ बाबा दीप सिंह ते भाई नोध सिंह एक चीचे दे रहण वाला सी जिहदा नां नोधा सी एक पहु पिंड दे रहण वाला सी जिहदा नां सी दीपा गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे हस्त कमलां तों अमृत छकिया दीपे दा नाम सतगुरां ने दीप सिंह रखता नोधे दा नाम सतगुरां ने नोध सिंह रख दिता पहला दीपा फिर दीप सिंह फिर भाई दीप सिंह फिर बाबा दीप सिंह जी आंदे इन्नी सेवा इन्नी डिग्रियां लैके भी उन्होंने गुरु घर की सेवा नहीं छड़ी एक दिन बाबा दीप सिंह जी लंगर विच जूठे भांडे मांझ रहे सी ते एक सरबलो दे बाटे नूं वार वार वो मांझी जा रहे सी वार वार उन्हूं नहीं सी पता भी मेरे पिछे कलगियां वाले पातशाह खलोते आ जदों 5-7 वार बाटे नूं बाबा दीप सिंह ने मांझिया ना ते सतगुरु कहण लगे ओ दीप सिंघा बाटा मांझदा बाटा आंदा नहीं जी बाटा ते पहली वार ही मांझिया गया सी फिर हुण तू की मांझदा आंदा सतगुरु जी हुण ते अपना मैं मन मांझदा मन ओ दीप सिंघा तेनू कितना पता लगू तेरा मन मांझिया गया आंदा महाराज जदों मैं इस बाटे नूं वार वार लशका के वेना ना इहदे विच तस्वीर मैनू अपनी नजर आउंदी आ ते मैं ना भी तेरे अंदर जे होमे हैगी आ महाराज जिधर इस बाटे विचों तुहाडी तस्वीर नजर आएगी मैं समझूंगा मेरी सेवा मुकम्मल हो गई आ सतगुर ने चौके छाती न लाया आखिया धन सिखी ओ दीप सिंघा पुत्रा जो तू मंगे मैं तेनू ओह कुछ अज दे देना सिखो मंगना भी सारण नहीं आंदा आंदा महाराज ये तुठे जे ते वचन दियो ते वरदान दियो कि जेड़ा मेरा अंत समा होए ना ये धर्म युद्ध दे विच होवे ये वर बाबा दीप सिंह ने कलगियां वाले पातशाह तो मंग के लिया सी बाबा दीप सिंह जी कलगियां वाले पातशाह सेवा दमदमा साहब दी सौंप के आप दखण देण नूं तुर गए बाबा दीप सिंह जी बीड़ा लिख रहे सन कोई गुरु नानक लेवा सिख श्री दमदमा साहब जी धरती ते पहुंचिया फतेह बुलाई ते कहण लगे बाबा जी जिहड़ियां बीड़ा आप लिख रहे जे इन्हां दा जिथे प्रकाश करना ओह हरिमंदर साहब नूं ढाउण दीआं तैयारियां कीतीआं जा रहीआं बाबा जी ने कलम उत्थे रख दित्ती ओह की खबर लेके आया हरिमंदर साहब नूं ढाउण दीआं तैयारियां कीतीआं जा रहीआं बाबा दीप सिंह दीआं अखां विच खून आया टौले फड़के बाबा जी जे चंद दिनां तक खालसा ना पहुंचा तेरे गुरु दा मंदर ढा ढेरी कीता जाएगा बाबा दीप सिंह ने कलगियां वाले पातशाह दे चरणां च अरदास कीती हे पंथ दे मालका धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्ना चिर मैं दुश्मन दे झंडे अमृतसर दी धरती तों पुक नहीं ना दिंदा ओना चिर तक मैं शहीद ही नहीं पाऊंगा हौणी कम उठी उन्हें आख्या बाबा दीप सिंह
मैं तेरा नोखा पर सिरे नहीं चढ़ दूंगी। उन्हें आख्या बचन होनी है सिंह दे वो पूरे ते पके असी फट फट जाम लगा दिए सुइया दे नके वो सानू अमर सरवर जांदे आ अज केड़ा डके नहीं असी खंडे थारा शेर दे एवें नहीं चुके बाबा दीप सिंह जी मार के नगारियां ते जोड़ दोरियां चोटा सत श्री अकाल दे जकारे ला के गगन दवाना बाबे बाजियो भरियो निशाने काओ खेल जो मांडे सूरमा आप जूझन को दाओ दा जाप करते हुए मालवे दी धरती तो माझे दी धरती नू रवाना हुंदे आ खेम करन पिखी वंड दे रस्ते थानी हुंदे होया सारा खालसा श्री तरन तारण साहब पहुंचा इत्थे रात कट्टी आ सवेरे फिर शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जन साहब महाराज दे चरणा च खलो के बाबा दीप सिंह ने अरदास कीती आ हे शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जन साहब महाराज मैं तेरे चरणा च अरदास करदा जिन्ना चिर मैं अपना परनी पूरा कर लेंदा उन्ना चिर मैं शहीदी नहीं पाऊंगा। हे धन गुरु रामदास महाराज कोई तेरे दर ते फुलियां दा प्रसाद लेके आउंदा कोई पतासियां दा लेके आउंदा मैं सिर दा चढ़ावा लेके आ रहा इहनूं प्रवान कर रही। बाबा दीप सिंह ने इत्थे खंडे नाल लीक खिंची आ ललकार साहब गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह ने आख्या ओ जोधा लीक टप्पियो जिन्हें धर्म दे नां उत्तों जाना निशावर कर देनी आ आंदे 10,000 सूरमा छाला मारदा लीक टप गया है कोई कौम ओ जेड़ी मरन दे नां उत्ते वर्दी होवे ए कलगियां वाले पातशाह ने आपां नूं मान दिता। इधर जमाल खान पता लगा भी बाबा दीप सिंह मेरे ते चढ़ाई करके आ गया 40,000 फौज चढ़ के चबे दे मैदान विच आया। इधर कलगी धर दे सूरमे लैके अकाल दी ओट एक पासे सत श्री अकाल दे जकारे एक पासे जय अली दे नारे आंदे इन्ना कह गच जंग इत्थे मचिया बाबा दीप सिंह दीआं फौजां ने जिहड़ियां दुश्मन दीआं फौजां अगलियां उहनां नूं लम्मिया पा दित्ता। अमीर जान खान नूं अपना पासा हौला हुंदा जापिया इहने घोड़ा अगे छेड़िया ते बाबा दयाल सिंह वाले वधिया। बाबा दयाल सिंह ते तीन वार उस अमीर जान खान ने कीते तिन्ने बाबा दयाल सिंह ने रोके तीन वार बाबा दयाल सिंह ते अमीर जान खान ने कीते बाबा जी ने तिन्ने पासों दी कढ दित्ते तंदी ते चढ़ाया तीर आंदे खिच के जदों छड्डिया ना अमीर जान खान दी छाती दे विच्चों सुखा तीर सिंह दा निकल गया घोड़े तो पवाटनी खा के थले डिगा एदी लोथ नूं एदे वारस पिछे चुक के लै गए। अमीर जान खान नूं डिगदिआं वेख के रुस्तम खां आया बड़े बड़े योधे गांव दे इधर जबरदस्त खान बड़िया हंकारिया जरनैल सी हाथी उत्ते बैठा हाथी अपने नूं गांव वधाया बाबा दीप सिंह ने वधिया आंदे इधर बाबा बलवंत सिंह निहंग सिंह ने रोकिया बाबा निहंग सिंह जी बाबा बलवंत सिंह जी आंदे तीन वार इस जबरदस्त खाने निहंग सिंह उत्ते कीते तिन्ने बाबा जी ने रोके फिर उंगल ते चढ़ाया चक्कर आंदे एहो जिहा घुमा के छड्डिया हाथी दी हमारी च बैठा सी सूरमे दे चक्कर ने जबरदस्त खां दा सिर इतना ला के रख दिता जितना घुम्यार चक तो भांडा ला के रख दिंदे इहनूं वी अगले जहान पहुंचाता। फिर फौजां दा जरनैल जरनैल जमाल खान अगे वधिया ने आख्या बाबा दीप सिंह मेरे वेंदिया वेंदिया तेरियां फौजां ने मेरियां फौजां दे घाम ला के रख दिते आ मेरा जी करदा मैं तेरे नाल कल्ले ना करा कल्ला लड़ा। बाबा दीप सिंह जी करनी ते कथनी दे पूरे बाणी ते बाणे विच परपक शहीदां दी मिसल दे जथेदार घोड़े तो थले आए ओए जमाल खान मवी ओ चाहना जदों को कल्ले ना कल्ला लड़े एक पासे फौजां दा जरनैल जमाल खान दूजे पासे दमदमी टकसाल दे पहले जथेदार जितना गह गच जंग इन्हां दा होया चढ़दी कला उस कौम दी सदा रहिंदी चढ़दी कला उस कौम दी सदा रहिंदी जेड़ी अपने फर्ज पछाण दी ए तख्तां ताजां ते लोभ ते थुक दी नहीं सोझी आ जावे अपनी शान दी ए किसे दुखी मजलूम दी हा सुन के
बाजी ला दिंदी अपनी जान दी ए तेरे भाणे सरबत दा भला होवे चंदन सिखिया तेरे निशान खान दी ए प्यास कर लिखदे लड़दियां लड़दियां सांझे वार बाबा दीप सिंह जी दे और जमाल खान दे होए आ हौणी ने आख्या बाबा दीप सिंह मैं आख्या सी तेरा परन से नहीं चण दूंगी तेरे मैं जेड़े प्राण राव च रोल के रख दूंगी तेरे गुरु दा मंदिर ये 5 मील दूर आ निहंग सिंह होके झूठ बोलिया ही अमर छाके झूठ बोलिया ही बाबा दीप सिंह ने आख्या होनी है होनी ने आख्या मेरे किताब च तेरे श्वास खत्म हो चुके बाबा दीप सिंह ने आख्या होनी है तेरी किताब खब्बी तली ते रखिया सीस सज्जे हाथ विच फड़ के फलादी खंडा कौम दी अगवाई करदा बाबा दीप सिंह जी चरी वांग दुश्मनां नूं वढदा अमर छको ए मैं भाई जंगबीर सिंह जी अंबाले शहर हरियाणे च प्रसंग बाबा दीप सिंह दा पढ़िया एक हिंदू राजकुमार नाम दा बंदा समाप्ति तो बाद 1100 रुपये छोटे भजंगी ने मान दिता मैं क्या भी तेनू कुछ पता पुता भी लगा जो इन्हें पढ़िया आंदा सरदार जी मना पता पुता तो कोना लागो सै जब जू छोला गा रहा था ना आंदा मेरे शरीर की धड़कन खून इतना धड़क रहा था भी मेरे आत्मा जू तलवार हुंदी ना तो 4-5 की मुंडी तो मैं भी काट दिंदा आंदा मेरे इन्ना जोश आ गया ही भी 4-5 नू मैं मार सकता सा सिखो ये नाड़ा च जमे होया खून गुरु हरगोबिंद पातशाह ने टाडी दसम पातशाह ने क्वेश्चन तैयार किए तुसी मान दिता धन्यवाद सतगुरु कृपा करे भुल चुक दी माफी फते मरदा वाली गज के बुलायो ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।